कोरोना काल खत्म होते ही CAA को जमीन पर लागू करेंगे। CAA वास्तविकता था और रहेगा। ये बातें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूँ, तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूँ, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। शाह के आरोपों पर ममता की ओर से भी कई सवाल उठाए गए। ममता ने कहा, वे लोगों के वोटों से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए और क्या अब वे नागरिक नहीं हैं? अमित शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए। ममता ने कहा, अमित शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिशें रच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। CM ममता ने आगे कहा कि BJP हर रोज लड़ रही है, वे दिलों को बांटना चाहते हैं। BJP चाहती है हिंदुओं और मुसलमानों का तलाक हो, जैसा कि अलीपुरद्वार और राजवंशी के बीच हुआ। उन्होंने देश में क्या किया है? सीपीएम बीजेपी का लिंक मैंने, इसका काम है टुकड़ा कर दो और दिल भी टुकड़ा करने के लिए। वो तो जैसे डिवोर्स करने का लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करने जाता है, कभी कभी जरूरत होता है, हम इसको कंडेम्न नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लेकिन वो तो हिंदू के साथ मुस्लिम को डिवोर्स करने जाता है, बंगाली का साथ बंगाली को डिवोर्स करने जाता है, अलीपुरद्वार का राजवंशी का साथ बंगला को डिवोर्स करने जाता है, हिंदी भाषी का साथ हिंदी भाषी को डिवोर्स करने जाता है। क्या चाहते हैं? वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर CAA अगर लागू करना है तो कोरोना के खत्म होने का इंतजार क्यों? इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।